कलर्स टीवी के बहुत ही पसंदीदा शो इश्क में मर जावा, जिसमें आरुही को तारा, उपासना, वसुंधरा और गुरु माँ ने किडनैप कर लिया है और मारने की कोशिश कर रही हैं। तभी वहां दीप आरुही को बचाने के लिए आ जाता है। आपको बता दें कि इन चारों ने डाकू के भेष में आरुही को किडनैप किया है और अपना फेस छुपा कर रखा हुआ है। आरुही की इन चारों के साथ फाइट भी होती है, लेकिन दीप गुंडों से लड़के आरुही को बचा लेता है। पर इन सब के बीच में आरुही घायल हो जाती है और दीप आरुही को मलहम लगाता है। आपको बता दें कि अभी तक दीप ये नहीं जान पाया है कि नकाब के पीछे वो चार लोग कौन थे। अब तारा, उपासना, वसुंधरा और गुरु माँ की अगली चाल क्या होगी, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें एपिक स्टूडियोज। आज मैं डाकू मंगल सिंह बन के आई हूँ। एक्चुअली हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम घोड़े पर सवार होकर आए हैं और तलवार वगैरह निकाल के बोलेंगे हर हर महादेव और लड़ने लग जाएंगे। बिकॉज आर आउटफिट्स आर सच, इट्स लाइक क्रेजी कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग वेस्टर्नाइज एंड देसी, क्योंकि पगड़ी भी दी है एंड हमने लेदर जैकेट्स एंड बूट्स एंड ऑल भी पहने हैं। बट दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट एंड वी आर इन्जॉइंग, क्योंकि अभी तक हमने गन से लड़ाई की है, तलवारबाजी भी कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। बट दिस टाइम हम थोड़ा डाकू के भेस में आए हैं सो दैट किसी का किसी का चेहरा नज़र ना आए। And then obviously this whole thing is planned by Tara. Tara is about to stab Arohi. वो अपने छुरे से उसे जान से मारने वाली होती है। दीप आ जाता है, उसे बचा लेता है। And देखने के लिए आपको ये आगे it'll be a suspense कि क्या दीप को पता चलेगा कि नकाब के पीछे कौन कौन है, especially Tara and मम्मी जी, because दीप does not know about his मम्मी जी। तो अभी आगे क्या होने वाला है, बहुत सारा थ्रिल है, बहुत सारा सस्पेंस है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। ये भी फेल नहीं हुआ है, इट्स जस्ट दैट एक रुकावट आई है क्योंकि दीप आ गया है। लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे अपने गुंडे हैं, हमने हायर किए हुए रखे हैं। हम खुद भी लड़ते हैं लेकिन हमने गुंडे भी रखे हैं। एंड लेट्स सी क्या होता है, हम कैसे उसे निकाल के ले जाएंगे आरोही को।